हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पाक मीडिया कंपेयरिंग इंडियन मेडिकल फैसिलिटीज टू पाकिस्तान मेडिकल फैसिलिटी। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कंपैरिजन। हमें तो पता ही है कहाँ हम हैं, कहाँ वो हैं, और वैक्सीन्स के मामले में उससे तो सारा प्रूव हो ही गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दूसरी चीज, 40% जो इधर के ड्रग्स हैं, नॉलेज ये इंटरनेशनल लोग कहते हैं कि ये फेक ड्रग्स हैं, ये मिलावट है उनमें। अब अभी हमें सोचना चाहिए शाजिया कि अगर ये मिलावट है तो दूसरे मुल्कों में बहुत बड़ा सजा होता है। मैंने सुना है, आई हैव येट टू प्रूव इट, मैं सुना है कि हिंदुस्तान में कोई इन सम इंस्टेंसेस सजाए मौत होता है अगर आपने जाके ड्रग को एडल्ट्रेट किया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पेशेंट या मर जाए या पेशेंट की बीमारी माने के ऐसा कंडीशन हो जाए। तो ये सब चीजें हमें कंसिडर करना चाहिए, नॉट ओनली प्राइसेस। कुछ ऐसी दवाइयां जो पाकिस्तान और इंडिया में दोनों जगह जाहिर है कुछ मेडिसिन जो इस्तेमाल होती है, लाखों रुपए का फर्क। अब मैं आपको एक दो दवाइयों के नाम बता देती हूँ जो मैं आज कुछ जगह रिसर्च कर रही थी तो मैं पढ़ रही थी। गायनी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक इंजेक्शन है ऑक्यूवर्सिस की कीमत 7,50,000 रुपए है, और यही इंजेक्शन भारत में सिर्फ 4,000 रुपए का। क्या नहीं साहब, सिर्फ 4,000 रुपए का? क्या वहां महंगाई नहीं है? डॉलर उनके लिए महंगा नहीं है? आपको गुजारिश करूँ? जी जी, गुजारिश करूँ? जी जी, गुजारिश ये है कि आपने इन्वेस्ट भी नहीं किया। अभी भारत $20 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका ड्रैप, हमारा ड्रैप 200 मिलियन तक नहीं पहुंचा। उसकी रीजन यही है कि ना आपने इदारे पे यानी हेल्थ पे कभी कॉन्सेंट्रेट किया, ना कभी आपने काम किया। अनफॉर्चुनेट है, हम तो खुद कहते हैं ये 3 महीने में तो इंडस्ट्री नहीं लगती। इंडस्ट्री जो लगी और उसके जो उसको बांधा गया और जो मामला चले और रिसर्च नहीं हुई और हमें सब कुछ इम्पोर्ट करना पड़ा। बात यह है कि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान में अम कायम करने के लिए तालिबान से मुजाकरात में हेल्प करना चाहता रहा है शुरू से और कर भी रहा है। आपको लगता है ये अफगानिस्तान की सरजमीन पर का इस्तेमाल होना पाकिस्तान के खिलाफ और अफगानिस्तान में अम की ख्वाहिश रखना, ये पाकिस्तान को धोखा देने के मुतरादिफ है? क्या? बिल्कुल 100%। अफगानिस्तान जो है तो धोखा देता रहा है, 70 साल से धोखा दे रहा है, और खास तौर इस वक्त जब एक कठपुतली रिजीम है। मैं आपसे कुछ और चीज एक और डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूं शाजिया, जो शायद हम पूछना चाहिए था सदर साहब को। मैं पूछता भाई, 4 महीने के लिए 5 लोग जी, पहले तो उन्होंने पता नहीं कितने बंदूकें गोलियां बम वम लेके ट्रेन से एक लंबी सफर किया है। अच्छा, रेलवे पुलिस नहीं है, कोई उधर चेकिंग वेकिंग नहीं हो सकता? क्यों नहीं होता भाई चेकिंग रेलवे में? आप ये बात उन्होंने कही ना कि सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम में नहीं खराबी है। ये सिस्टम में क्या खराबी है? पुलिस वाले हैं, उनको चेक करना चाहिए, लोगों की खराबी है। हु इज द आईजी, हु आर द ऑफिसर्स, नंबर वन। दूसरी बात चाजिया, 4 महीने इधर कराची में रहे, 4 महीने उन्होंने जाके सब जगह देखा है, बहरिया टाउन में रह रहे थे, किसी के साथ रह रहे थे, किधर है आपकी इंटेलिजेंस सिस्टम्स? मैं नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी को आप पकड़ सकते हैं, बिल्कुल सही, मगर मैं कह रहा हूं क्यों नहीं आपने इतने ऐसे लोगों को 4 महीने एक शहर में लंबा सफर करके हथियार भरे हुए आए और कोई उनको रोक नहीं सका? दूसरी बात यह है कि अब जो हिंदुस्तान पकड़े गया है, अब जो अफगानिस्तान पकड़ा गया है, हम क्या करने वाले हैं भाई? क्या हम यूनाइटेड नेशंस को जाके यादव के साथ गए थे ना, पता नहीं फिर क्या हुआ उसका, वो केस अभी इंटरनेशनल कोर्ट में है, क्यों नहीं इनके साथ ये एविडेंस देते हैं? क्यों नहीं हम कहते हैं कि ये तो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है इंडिया, इंडिया आर्म कर रहा है लोगों को कि जाके चीन को पाकिस्तान में अटैक करें। दिस इज वेरी सीरियस। UN सिक्योरिटी काउंसिल जिनीवा में, और फाइनली मैं ये कहता हूं कि देखिए, अगर उन्होंने जैसे दुवाल ने अनाउंस किया था कि हम BLA को और TTP को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, क्या आप समझते हैं कि हम कुछ नहीं करना चाहिए? बस हम मार खाते रहे कि क्या वक्त आ गई है हमने कहने कि बच्चों ये 2 लोग कर सकते हैं, दिस इज अ गेम 2 पीपल कैन प्ले। सही, कुछ तो कपियां दो उनको। सही,
जब तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू हुआ किसी टॉपिक पे, एंड हुआ किसी टॉपिक पे, तो वहां पे पहले वो दवाइयों की बात पॉजिटिव नोट में कर रहे थे, तो लगा कि यार वाकई समझदार है, जैसे कई बहुत कम हमें दिखे हैं ऐसे पाकिस्तान के मीडिया के लोग जो सूझबूझ के बात करते हैं जो ठीक हो, तो ऐसे लगा वो एक और ऐसी मिली है जो सूझबूझ के बात कर रही है। तो उसमें जब उन्होंने बताया कि मेडिसिन का कंपैरिजन करो, वही मेडिसिन हमारी 7 लाख की है और वहां इंडिया में 4,000 की है, मैं तो वही सुन के शॉक में चली गई। और उसके बाद जब उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक का इंटरव्यू लिया वो तो टोटली डिफरेंट, और उसमें बोलने का तरीका, जो टोन थी, जो आइडियाज थे, टोटली गलत। उसमें अब वही गेम जो पाकिस्तान अब प्ले करने की कोशिश कर रहा है, जैसे हमने अभी वीडियो में भी देखा कि भाई क्या गेम प्ले कर रहे हैं कि इंडिया टेररिस्ट भेज रहा है जी आपको वहां पर, इसका तो कौन बिलीव करेगा, इतने सालों से जो हो रहा है सबको पता है, कौन बिलीव करेगा, कोई वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं बिलीव करेगी, क्योंकि हर कंट्री के पास प्रूफ है, हर कंट्री के पास प्रूफ है। यूएसए के पास जाओ, यूएसए के पास तो पूरा वो, हमने कौन सी एक वीडियो की थी मेरे ख्याल से मेजर गौरव आर्या की थी, जिसमें उन्होंने सारे नाम लिए इतने सारे लोगों के, और कहा ये हम नहीं बोल रहे, ये यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है कि ये सब है उनको, और ये भी बताया कि आप पाकिस्तान में उनको बताया गया कि ये यहां रह रहे हैं वहां रह रहे हैं, उनको पकड़ने की जगह उनको मतलब उनको हेल्प की जा रही है कि वो सेफ रहे, ये बताया गया था मेजर गौरव आर्या के थ्रू हमको, और वो बोल ही जा रहे थे पाकिस्तान के लोगों को कि आप जागो, आप जागो, आपको आप पूछो ये लोग कहां हैं, उनके नाम बदले हुए हैं, उनकी हर चीज उनके पास है, दो दो नाम, तीन तीन नाम। तो उसको देख के और फिर ये जो लास्ट में उन्होंने बोला भाई वो भी यही दिखा रहे हैं, पता नहीं पहले तो समझ ही नहीं आई मुझे क्या बात कर रहे हैं, फिर जब उसमें थोड़ा थोड़ा और डेप्थ में गए तो समझ में आया कि वो ये कोशिश करें कि अफगानिस्तान और इंडिया मिलके इनके यहाँ पे कुछ भेज रहे हैं, कुछ भी बोल दो, मतलब कोई भी कहानी बना दो, तो है क्योंकि आप एक कंट्री की लोकल न्यूज देख रहे हैं, वहां पे जो उनका मन है वो बोल रहे हैं, पर इससे आंखें तो खुलती हैं कि क्या चल रहा है। ये भी शॉकिंग है कि अपनी कंट्री में जितनी भी नेगेटिविटी ये बढ़ाएंगे उन्हीं का लॉस होगा। पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि कंट्री नीचे डूब रही है, उनकी ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और नेगेटिविटी दिखाएंगे तो और नीचे डूबी जाएगी, हेट्रेड ही पैदा करते जाओ, हेट्रेड ही पैदा करते जाएंगे, तो इस तरीके से उनकी इकोनॉमी और उनकी कंट्री नीचे होती जाएगी। और दुख की बात है ऐसा सुनकर, मगर कोई ऐसे कोई प्रूफ नहीं है इसमें, कोई ऐसा कुछ नहीं, अपना नैरेटिव जैसे आया था अपना नैरेटिव बना रहे हैं कुछ एजेंडा अपना अचीव करने के लिए, मगर हमें मेरे को तो शॉक लगा देखे कि ये सब क्या बातें हो रही हैं, मुझे भी, बट ये एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड ये यूजलेस बातें हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर, और अच्छी बात है कि हम बात जरूर करनी चाहिए ताकि अवेयरनेस रहे, ये अवेयरनेस के लिए मेरे लिए तो मुझे तो पता नहीं कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये सब मतलब कि देखो तो सही कैसे बात करते हैं, बिल्कुल बता अपने हम तो सोच ही नहीं सकते, ये नहीं देखो था मैं तो बिलीव ही नहीं करती, मैं तो अपने वो बबल में होती कि नहीं लोग जो होते हैं वो ठीक समझदार होते हैं, इससे दिख रहा है कि सारे नहीं समझदार होते, मेरा तो बबल जो है वो फूट रहा है ऐसी मूवी कह रही हूँ वीडियोज देख के। अपनी कंट्री में अगर वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं तो उन्हीं का लॉस होगा, अपनी कंट्री में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं वो तो है, और दिख रहा है कि इतने सालों से हो रहा है, तो अब देखो उसकी रिजल्ट, जैसे मैं बता रही हूँ कि पहले शुरू कितने सालों से हमारे बचपन से ये हो चल रहा है, तो अब ये कैचअप कर रहा है इनके साथ, और कैसे कैचअप कर रहा है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, जैसे कह रहे हैं मेडिसिन नहीं, खाना नहीं, लोगों की बुरी हालत हो रही है, कैचअप हो रहा है, अब उनको ये मेरे ख्याल से अब फ्यूचर में पाकिस्तान को वीडियो बनाने चाहिए, अपने आप को कंपेयर करें बांग्लादेश से, जो बांग्लादेश उनसे आगे निकल गया, बांग्लादेश तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी जो है अभी पाकिस्तान कंपेयर कर रहा है इंडिया से, अब बड़ी जल्दी वो इंडिया से कंपेयर करना छोड़ देगा, फायदा नहीं है, वो इंडिया बहुत ऊंचा चला गया है, अब हम बेटर है कंपेयर करते हैं बांग्लादेश से, तो मेरे ख्याल से इस तरीके से उनके होगा, मगर अपने देश में वो क्या करते हैं वो उनकी पर्सनल बात है, नेगेटिव न्यूज करेंगे तो उन्हीं को हार्म होगा, मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसे फैक्ट चेकिंग होती है या कुछ होता है, तो लोग ये भी कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है आप बोलिए जो आपको बोलना है, मगर ये तो समय ही बताएगा जिस तरीके से कंट्री अभी जो न्यूज हमें तो यही आ रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि इंडिया नेक्स्ट 10 ईयर्स में सुपर पावर बन जाएंगी, तो फिर वही एक आंसर होगा कि जो कंट्री सुपर पावर बन गई है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है,
डेमोक्रेसी के साथ सुपर पावर बनी है उस पर बहुत नाज होगा, उससे बहुत गर्व होगा कि भैया हम इसी देश के हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी से भी सुपर पावर बना जा सकता है। तो वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, और मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट होगी सब इंडियन से कि यूनिटी रखो, इकट्ठे रहो। नेगेटिव न्यूज़ जो आपको सुनने को मिल रही है या जो गंदे लोग हैं नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं कंट्री को डुबाने की कोशिश में, पावर में आने की कोशिश में, प्लीज़ उनकी बातें मत सुनो। देखो, समझो और जो अच्छा काम कर रहा है उसको फुल सपोर्ट करो। इन मटेरियल आपको सुनाई क्या दे रहा है, कहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, जब तक वो पूरी 100% ट्रू नहीं है उनको बिलीव मत करो। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।